हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं करवा चौथ स्पेशल मटी की रेसिपी। इसे मीठी पूरी भी कह सकते हैं, कहीं तो इसे मट्ठे भी कहते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट और इसे बनाते हैं। अभी ले लेते हैं बाउल में 250 ग्राम मैदा। आप इसे बाउल से भी नाप के ले सकते हो। अब इसमें डाल लेते हैं हम 2 टेबलस्पून घी। घी की जगह पे आप ऑयल या वनस्पति घी भी ले सकते हो। इसे डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हो इसे। अब इसे लगा लेते हैं। इसे लगाने के लिए हमें पानी बहुत ही कम चाहिए और इसका आटा हमें कड़ा लगाना है। आटे को हम कड़क लगा लेंगे, लेकिन इसमें पानी की ज़रूरत हो तब भी हमें हल्का सा पानी यूज कर लेंगे। इसका हमें सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, ध्यान रहे। हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम ढककर रख देंगे 10 मिनट रेस्ट के लिए, जिससे ये अच्छे तरीके से फूल जाएगा। अब ले लेते हैं चीनी, करते हैं चाशनी की तैयारी। हमने जिस बाउल से मैदा ली थी उसी से हम चीनी ले लेंगे और उसी से हमें पानी लेना है। जैसे कि हमने एक बाउल चीनी ली है तो उसी के हिसाब से हमें एक बाउल पानी भी लेना है और इसकी चाशनी बनानी है एक तार की। बस इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है। मेरी चाशनी बनके रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी मट्ठी बनाते हैं। मट्ठी को हम एक चकले पे बेल के बनाएंगे। आप चाहे तो हाथों से भी इसे चौड़ा करके भी बना सकते हो। ये काफी मोटी बनती है। इसकी हमने लोई बना लेनी है, एकदम जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं। इसी तरीके से बेलकर हमें बनाना है हमें इसे। और इसकी साइड से किनारों को मोड़ते हुए से मटरी का शेप दे देना है। आपको सिंपली इसी तरीके से मोड़ लेना है बस। अभी फोक से इसमें इस तरह से डिप करेंगे हम फोक को, जिससे फूलेंगे नहीं। इसी तरीके से हम दूसरी बना लेंगे। हमारी दूसरी भी रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम 4-5 बना लेंगे।
इसी तरीके से हम दूसरे भी बना लेंगे। और इसे बिना किनारे मोड़े भी आप ऐसे बना सकते हो सिंपली, और इसे इस तरीके से डिप करना है बस। हमने अपनी सारी मट्ठी बना के तैयार कर ली है, ये देखिए। आपको इसको मोटी रखना है, ज़्यादा पतली नहीं बनाना है। अब तेल को हमने मीडियम हीट कर लिया है, गैस फ्लेम मीडियम रखेंगे। इस तरीके से इसे हम फ्राई करेंगे। हम अब हम इसे इसी तरीके से पलट पलट कर फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। हमारी मट्ठी सिक्क तैयार हो चुकी है, अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा नहीं सेकना है, ज़्यादा एकदम लाल नहीं करना है, इसी तरह का कलर आ जाए तभी इसे निकाल लेना है। हल्का सा गोल्डन कलर सा आ जाए इसी तरीके से हम और भी डाल लेंगे, सेक लेंगे अपनी और मटरियाँ। हमारी मठरी बनकर तैयार हो चुकी है, और देखिए फ्रेंड्स हमारी चाशनी भी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें डाल लेते हैं हम अपनी मठरियाँ। मठरियाँ डाल के हमें इसे 4 से 5 मिनट रख देना है इसी तरीके से, जिससे ये जो चाशनी बनाई है हमने इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। निकाल लेते हैं अपनी मठरियाँ। चलिए अब इसे गार्निशिंग कर लेते हैं। हमने बादाम और हल्का सा केसर और ग्रेटेड कोकोनट लिया है इसे गार्निशिंग के लिए। आप चाहे तो इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, और इलायची, इससे ये इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मठरी की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है इसे देखने में, इतनी ही ये टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी लगती है। आप इसे बनाइए और अपने कमेंट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स को, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
आज की जो मटरी है हमारी है वो करवा चौथ स्पेशल है। इसे करवा चौथ में पूजा में भी रखते हैं, सरगी में भी देते हैं। इसे आप इसे बनाइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।